नमस्कार। आपको एक कीवी मैन से मिलवा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड में शानदार काम किया है बल्कि इनका पूरा गांव कीवी विलेज के नाम से है और आपकी मुलाकात करवाते हैं भगवान सिंह कोरंगा जी से। कोरंगा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप बागेश्वर के कपकोट के रहने वाले हैं? जी हाँ, सामा गाँव। सामा गाँव, वाह। और आपको कीवी मैन कहा जाता है, ऐसा क्या किया आपने कीवी में? जबकि उत्तराखंड में तो कीवी का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन भी नहीं है, और आपने क्या किया, आपका कैसे शुरू किया आपने? मुझे कीवी मैन तो कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि इनके लिए ये उपाधि ठीक है, ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने 2008 से कीवी पर काम करना शुरू किया था, सारे पौधे एक साथ नहीं लगाए, मैं तब से लेकर के आज तक लगातार कुछ ना कुछ पौधे लगाता रहता हूँ। सारे पौधे एक साथ अगर मैं लगाता तो हो सकता है कि मैं सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि यहाँ पे कीवी के बारे में बहुत अधिक तकनीकी जानकारी देने के लिए कोई भी न तो अधिकारी सक्षम था न कोई वैज्ञानिक। हिमाचल में तो वहाँ पर वैज्ञानिक काफ़ी अच्छा काम करते हैं, वो एक ही वैज्ञानिक से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड में ये बड़ा कठिन था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से, काश्तकारों से संपर्क करते रहे, और हिमाचल प्रदेश में भी हमने सोलन यूनिवर्सिटी में 2 बार प्रशिक्षण पाया और 1 बार अलग सा कीवी के काश्तकारों के यहाँ हमारा विजिट का कार्यक्रम रहा, तो वो सारे अनुभवों के आधार पर हम आगे बढ़ते गए हैं। इस समय ये बताइए आपका कितना कीवी हो रहा है, कितना प्रोडक्शन है, कितने पेड़ हैं वर्तमान में? हमारे बगीचे में 550 लगभग पौधे हैं, जिसमें से 350 पौधा फलत में है, और इस साल हमारा उत्पादन 120 क्विंटल के लगभग था। 120 क्विंटल? जी हाँ। इसका मार्केट रेट एक किलो का कितना है? क्या मार्केट रेट अलग अलग रेटों से बिकता है, अगर उसमें लगभग होते हैं तीन ग्रेड होते हैं, ABC। ए ग्रेड की कीमत हमको 150 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक मिली हुई है, और बी ग्रेड की कीमत 80 रुपये से लेकर के 120 रुपये तक, और सी ग्रेड की कीमत लगभग 50 रुपये। मतलब मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है? मार्केट की इससे पहले प्रॉब्लम थी जब हमारे कम मात्रा में था, लेकिन अब चूंकि काफ़ी मात्रा में होने लगा है तो बाहर के व्यापारी हमसे संपर्क कर रहे हैं। हमारा माल दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गया था, वहाँ की आड़ती खुद आए और घर ही से उठा के ले गए। आपके ऐसे ही लखनऊ भी गया। आपके सामा गांव में इस समय कितने काश्तकार हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? लगभग 90 काश्तकारों ने पौध रोपण कर दिया, जिसमें से लगभग 25 काश्तकारों के यहाँ फलत शुरू हो गए। और आपकी नर्सरी भी है इसकी? जी हाँ, नर्सरी भी है। आप क्या मानते हो कि ये कितना लाभदायक है, जो युवा 10,000 रुपये की नौकरी के लिए घर छोड़ देते हैं, बंजर खेत छोड़ देते हैं, क्या अगर वो इस व्यवसाय में आए तो अच्छा कमा सकते हैं मेहनत? जी हाँ, मुझे लगता है कि इस व्यवसाय में आकर के अगर वो तकनीकी रूप से सारी जानकारी लेने के बाद काम करेंगे और उच्च गुणवत्ता वाला फल बनाएंगे तो उनको मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा रेट मिलेगा, और छोटी मोटी नौकरी के लिए बाहर जाने के मुकाबले में इस व्यवसाय से जुड़ना बेहतर है। तो आपका गांव सामा गांव, जहाँ 90 परिवार, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का पहला गांव है जहाँ इतने बड़े तादाद में लोग हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद में शायद दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो आपको मार्केटिंग में भी सुविधा होती है क्योंकि आप बल्क में पैदा करते हैं, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं मंडी से या व्यापारियों से, क्यों? जी हाँ, जी हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, उसमें स्थानीय लोगों को और मुख्य रूप से महिलाओं को काफ़ी अच्छा रोजगार प्राप्त होता है। काफ़ी हमारी आमदनी का लगभग 40% हिस्सा उन बेरोजगारों को रोजगार देने में खर्च होता है, तो हमारे लिए भी खुशी की बात है और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी। गांव में प्रोडक्शन, गांव में रोजगार, है ना? और उसके अलावा हम कीवी फ्रूट की प्रोसेसिंग करते हैं, तो उससे भी लोगों का रोजगार बढ़ जाता है और हमारे लिए भी आर्थिक रूप से फायदा। और अब तो आपके साथ नए नए युवक भी हैं, ये देखिए कुमलटा जी हैं। कुमलटा जी, आपका पूरा शुभ नाम? कृष्ण सिंह कुमलटा। किरण सिंह कुमलटा जी, आपका गांव कौन सा पड़ता है? मेरा कपकोट ब्लॉक के सलिंग गांव पड़ता है। सलिंग जी, आप भी वहां इसका बागवानी में जुड़े हुए हो? जी जी। क्या क्या करते हैं आप? मैं कीवी पे और एप्पल पे और मधुमक्खियों का, और इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। मल्टीपर्पज? जी जी। कीवी तो आपने, हमने देखा आपका बहुत अच्छा
चल रहा है जी जी। आपने सुना कि आपने केसर की खेती भी करी थी? जी जी बिल्कुल, केसर की खेती की थी जिसे मुझे एक ग्रेड का केसर प्राप्त हुआ था। अच्छा। लेकिन बीज के अपर्याप्तता अभाव के कारण हम उसको कर नहीं पाए। हाँ। क्योंकि अभी हम जो ऑर्चर्ड डेवलप कर रहे हैं ये हमारा क्षेत्र हमने कम है करके कुछ ज़्यादा मात्रा में हमने इसको कर दिया था, जिसमें मेरे 850 किवी के पौधे हैं, तो उसको संभालने के लिए मेरे ऊपर एक चुनौती है। 850? जी। वेरी गुड। अच्छा, ये आपको क्या लगता है जो केसर है जी, ये जो आपने केसर पैदा किया उसमें कितना डिफरेंस है जो कश्मीर में केसर पैदा होता है और आपका केसर? आपने इसका कंपैरिजन किया? कंपैरिजन किया, सेम प्रोसेस है, सेम वैरायटी दे रहा है, सेम क्वालिटी दे रहा है, एक ग्रेड का केसर हमारे यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। उत्पादन हो रहा है जी। इसका मतलब गवर्नमेंट इसमें इस समय तो हॉर्टिकल्चर मिशन का बड़ा पैसा आ गया है जी, तो इस पे भी करना चाहिए गवर्नमेंट। हाँ, अगर गवर्नमेंट इससे फोकस करे तो काश्तकार हमारे जो है काफी ऊंचाइयों को छू सकता है। मतलब आपको कश्मीर ले जाएं, वहाँ के ट्रेनरों को बुलाएं, इस पे होना चाहिए जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये शानदार यहाँ केसर भी पैदा हो रहा है और कुमलटा ने बहुत ही शानदार केसर पैदा किए। इसमें गवर्नमेंट से निवेदन है कि इसमें भी प्रोसेस होना चाहिए और युवकों को इसमें भी जोड़ना चाहिए जी। बिल्कुल। तो ये है कीवी के उत्पादक, और इस समय तो जो कीवी हिंदुस्तान में 85% तो इम्पोर्ट होता है, बाहर से पैदा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ लोग। 90% बाहर जाता है। हाँ, तो इसके लिए भी हम जो है सरकार से एक हमारी एक मांग है कि जिस समय हमारे यहाँ उत्तराखंड में कीवी का पीक सीजन चलता है अक्टूबर 25 से नवंबर दिसंबर 25 तक, जो हमारा कीवी बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है उस पर जो है हमारी सरकार जो है कुछ महीनों के लिए वैन लगा दें जी। क्यों कुरंगा जी, सही बात है? किस किस महीने होता है जब आप चाहते हैं कि इस पे वैन लगना चाहिए उस दौरान? ये गर्म घाटियों में अक्टूबर 1 से ही इसका ये मार्केट में आने लगता है, और ठंडी जगहों पर कुछ देर में आता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तक कीवी। आपको क्या लगता है कीवी मिशन आ रहा है, आपका क्या सुझाव है, इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? कीवी मिशन लागू करते समय एक या उसकी नीति पॉलिसी बनाने में मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध रहेगा कि काश्तकारों को उस पूरी परियोजना से जोड़ा जाए, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल टाइप का काम है। केवल अधिकारी अपने हिसाब से नीति बनाएंगे और फील्ड में दूसरी तरह की कठिनाइयां होंगी, तो उसकी सफलता हो सकता है कि पूर्ण रूप से हमें न मिल पाए। आप ये चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड में आए, बगीचों में आए, वहाँ किसानों से मिलें और वहाँ तय करें कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। क्यों कोरोना साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, आप कीवी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।